तो गाइस फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमारा माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज का एक नया एपिसोड आ चुका है। आज के इस एपिसोड में मैं बनाने वाला हूँ एक स्टोन फार्म। आप ये मेरे पीछे जो स्टोन फार्म देख रहे हो, बट एक दुख की बात यह है कि वो स्टोन फार्म को मैं आज तोड़ने जा रहा हूँ। प्रॉब्लम ये आ रही है इस फार्म में कि फार्म तो अच्छी तरीके से वर्क तो कर रहा है, लेकिन बीच बीच में इसको बार बार जाके एक डोज देना पड़ेगा, मीन्स इसको बार बार रिपेयर करना पड़ेगा। ऊपर जो TNT ड्यूपर लगा है वो बार बार टूट रहा है, बार बार मुझे जाकर रिपेयर करना पड़ रहा है। तो मैंने सोचा है कि एक न्यू स्टोन फार्म का डिज़ाइन आया है और बहुत छोटा सा है, कॉम्पैक्ट सा है, आज मैं उसको बनाने वाला हूँ इस वीडियो में। साथ में जो सुपर स्मेल्टर है उसको भी इसी वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वो जो स्टोन फार्म है लास्ट वाले स्टोन फार्म की तरह इतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा स्टोन फार्म है वो। ये जो पीछे आप स्टोन फार्म देख रहे हैं इसी की तरह वो भी स्टोन को बहुत सारा प्रोड्यूस करेगा एक ही वक्त में, हद से ज़्यादा हमको स्टोन मिल जाएगा उससे। तो मैं जो है उस स्टोन फार्म को तोड़कर वो वाला स्टोन फार्म बनाने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो चलिए, वहाँ पर आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पर मेरा जो स्टोन फार्म दिख रहा है अभी भी, ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ पर मेरा ड्यूपर टूटा हुआ है। तो मैंने जो है इसको बार बार रिपेयर करा, वर्क तो कर रहा है ये फार्म अच्छी तरीके से, बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये बार बार टूटते जा रहा है, मुझे बार बार रिपेयर करना पड़ रहा है ऊपर जाकर। तो ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं दूसरा फार्म बना रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको चालू करके कुछ ही देर हुई थी, बट फिर भी इसके अंदर आप देख सकते हैं कितने सारे स्टोन कॉबल स्टोन बन चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चेस्ट में, यहाँ पर सभी तरफ देखिए चेस्ट फुल हो गए हैं यहाँ पर स्टोन से। और ये देखिए रेड स्टोन जो आया है ऊपर का, जो मेरा ड्यूपर टूटा है TNT का, वहाँ से ये आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी तरफ में स्टोन ही स्टोन भरा है, सभी चेस्ट फुल हुई है स्टोन से। ये फार्म जो है बहुत ज़्यादा जनरेट करता था। मैं एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया दूँ तो ये 150,000 स्टोन को जनरेट करता था एक घंटे के अंदर में। तो अब मैं जो फार्म बनाने वाला हूँ वो उतना तो जनरेट नहीं, 150,000 नहीं, 120,000 जनरेट करता था ये स्टोन फार्म। मैंने गलती से 150,000 बोल दिया, बट ये स्टोन फार्म 120,000 स्टोन को ये करता था, जनरेट करता था पर आवर। अब जो मैं स्टोन फार्म बनाने वाला हूँ इसको तोड़कर वो पर आवर 70,000 कोबल स्टोन को जनरेट करेगा। 70,000 भी कोई छोटा वर्ड नहीं है, कोई छोटा नंबर नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। और ये पूरा कभी कभी मेरे गेम को ही क्रैश कर दे रहा था ये, इसलिए मैं इसको तोड़ना चाह रहा हूँ। तो इसको तोड़ के जो है मैं वो फार्म बनाऊँगा। ये 120,000 जनरेट करता था वो 70,000 जनरेट करेगा। ये इस फार्म से तो 50,000 कम ही होंगे, बट वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे जो भी बिल्ड होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए थोड़ी मैं रिपेयर करते जब भी चालू किया था, फिर भी आप देख सकते हैं कितने सारे कबल स्टोन आकर यहाँ पर जमा हुए हैं। तो इसी तरीके से उसमें भी जो है बहुत ज़्यादा ही जमा होंगे। तो मैं सोच रहा हूँ उसी स्टोन फार्म को बनाया जाए, तो इसको पहले तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर जितना भी आपको यहाँ पर दिख रहा है स्टोन फार्म, सभी को तोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर हम बिल्ड कर पाएंगे। ये स्टोन फार्म का रखने का कोई फ़ायदा नहीं है अब, ये जब भी हम इसको चालू करेंगे तो हमारा वेस्ट ही होएगा। तो मैं जो है इसको तोड़ कर इधर ही यही जगह पर मैं जो है दूसरा जो स्टोन फार्म है वो बनाने वाला हूँ। उस चेस्ट में ये स्टोन फार्म जो बना है इसका सामान था, और इस चेस्ट में अब जो बनाने वाला हूँ उसका स्टोन फार्म का सामान है। तो यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको, तो यहाँ पर देखिए कितने कम रिसोर्सेस में यहाँ पर हमारा स्टोन फार्म बन रहा है। नहीं, आपको इस रिसोर्सेज देख के ही पता चल रहा होगा कितना छोटा स्टोन फार्म है, बट आपको मैं बता दूँ 70,000 कोबल स्टोन जनरेट करता है ये पर आवर में। और इसमें लावा की जो है बहुत सारे बकेट की ज़रूरत पड़ेगी। लावा जो है मैं वहाँ पीछे से लेके आया हूँ, आपको ऑब्सीडियन के लिए बताया ही था। तो जल्दी से इस फार्म को तोड़ लेते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पर बनाएंगे। सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो है सभी स्टोन फार्म जो भी बनाया था मैंने सभी को रिमूव कर दिया है। जो भी उसके रिसोर्सेज मिले थे उसको मैंने जो है घर पे जाकर रख दिया है, क्योंकि मैंने जो है इस फार्म को बनाने के जो भी रिसोर्सेज है वो इस चेस्ट में लाकर रख दिए हैं पहले से ही। तो वो जो भी रिसोर्सेज थे वो उसको मैंने जो है वहाँ पर घर में जाकर रख दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा एरिया क्लियर हो चुका है। यहाँ पर हम अपना बिल्ड बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा फूड खा लेते हैं, हंगर बार कम हो रहा है, तो यहाँ पर जल्दी से फूड खा लेता हूँ मैं। अगर गाइस अगर आपको भी ये बिल्ड बनाना है, ये स्टोन फार्म बनाना है, तो मैं जो है इस वीडियो के
मैंने जो है ये मेरा खुद का डिज़ाइन नहीं है, मैंने एक वीडियो देखा है यूट्यूब पर, उसके थ्रू मैं ये बना रहा हूँ स्टोन फार्म को। अगर आपको भी वो स्टोन फार्म बनाया है तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर रात हो रही है तो मैं सोच रहा हूँ बेड को इधर ही लगाया जाए, बार बार अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पर बेड को लगा लेते हैं, एक बार सो लेते हैं, उसके बाद सुबह में काम करेंगे। सुबह उठ के अपना बिल्ड जो है स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट डे हो चुका है। सो गाइज हमको फार्म बनाने के लिए यहाँ पर हमको जो है 6x3 का एक गड्ढा बना लेना है, तो यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर मेरी पिक शवल जो है बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो चुकी है, एक क्लिक में ही तोड़ रही है सभी ब्लॉक्स को। तो यहाँ पर 6 का बना लिया है, फिर 1 2 यहाँ पर 4 टूट चुके हैं, यहाँ पर 1 2 1 ये 2 ये 3, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर इसको हम बना लेना है। यहाँ पर इसको भी तोड़ लेते हैं ऐसे, यहाँ पर नीचे गड्ढा दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से काम करना पड़ेगा नहीं तो हम नीचे गिर जाएंगे। तो यहाँ पर इसको ऐसा लगाने के बाद हमको जो है इधर में एक यहाँ पर इसको भी तोड़ लेना है ब्लॉक को, यहाँ पर भी गड्ढा है इसको भी थोड़ा ब्लॉक करना पड़ेगा। यहाँ पर इतना गड्ढा बनाने के बाद 1 2 3 का यहाँ पर तोड़ देना है, फिर 1 2 इधर का तोड़ लेना है, उसके बाद सेम टू सेम इधर ही कर लेना है, यहाँ पर भी 1 2 3 फिर 1 2 यहाँ पर एक क्लिक में ही 3 ब्लॉक्स तोड़ दिया है। शॉवल मेरी पिकेक्स आ रहा है बार बार मेरे मुंह को, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर इतना तोड़ने के बाद हमको जो है यहाँ पर वाटर डालना है सभी तरफ में, हमको पहले स्लैब्स लगाना है सभी में, तो जल्दी से यहाँ पर इसको रख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर स्लैब्स ले लेते हैं। स्लैब्स को एक इधर ये गलत लग चुका है, इसको स्लैब को तोड़ लेंगे, एक यहाँ पर लगाना है, 1 2 यहाँ पर, टोटल हमको 4 स्लैब्स लगाने हैं इन चारों कोने में, उसके बाद स्लैब्स का काम ख़त्म। अब हमको बनाना है एक इनफाइनाइट वाटर सोर्स, उसके लिए यहाँ पर 4x4 का बना लेते हैं, यहाँ पर जल्दी से इनफाइनाइट वाटर सोर्स बना लेंगे। यहाँ पर इनफाइनाइट वाटर सोर्स बनाने के बाद एक इधर में डालना है, एक इधर में डालना है, तो यहाँ पर भी एक इनफाइनाइट वाटर सोर्स बन जाएगा, एक इधर डालते हैं, फिर उसके बाद एक इधर, यहाँ से भी वाटर उठा लेंगे, एक इधर डालना है, एक इधर, यहाँ पर हमारा वाटर का काम ख़त्म हो चुका है। तो हमको जो है यहाँ पर एक और ब्लॉक तोड़ना है, तो ये वाटर बकेट को अंदर रख लेते हैं, यहाँ से एक ट्रैप डोर उठा लेते हैं। मैंने जो है एक्स्ट्रा बना लिया है सभी आइटम्स को, जो है हमको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैंने फिर भी ज़्यादा बना लिया है सभी आइटम्स को। यहाँ पर हमको ट्रैप डोर इस तरीके से लगाना है, लगाने के बाद इतना करने के बाद हमको यहाँ पर 4x9 का एरिया बनाना है। ये हो गया 1 2 3 4 ये 4 हो गए, यहाँ पर ये 1 ये 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ इतना एरिया खाली करने के बाद हमको 3 ब्लॉक्स डिप कर देना है। यहाँ पर ये हो गया 1 ये 2 ये 3। सो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो है ये एरिया बना दिया है, यहाँ पर नीचे जो है बहुत बड़ा गड्ढा है, तो मैंने जो है इसको ग्रास ब्लॉक से कन्वर्ट कर दिया है। स्टोन जो भी था यहाँ पर इसको हटा के यहाँ पर ग्रास ब्लॉक लगाया, और यहाँ पर तो एरिया खाली था तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ग्रास ब्लॉक लगाया। सादी डर्ट भी लगा सकता था मैं, बट यहाँ पर मेरे पास ग्रास ब्लॉक बहुत ज़्यादा ही थे, तो मैंने जो है ग्रास ब्लॉक को ही लगा लिया। तो यहाँ पर जल्दी से ऊपर जाने का रास्ता बना लेते हैं। यहाँ पर ऊपर आने के बाद हमको यहाँ से जो है ग्रास ब्लॉक को रख लेते हैं, यहाँ पर एक ग्लास चेस्ट और ये हॉपर को लेके नीचे चलते हैं। यहाँ पर हमको चेस्ट और हॉपर लगाने हैं, तो यहाँ पर पहले चेस्ट और हॉपर ले लेते हैं। इधर में इस तरीके से हमको चेस्ट लगाते जाना है। अब हमको जो है हॉपर्स लगाना है इधर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर एक हॉपर आएगा, 9 यहाँ पर हॉपर्स आने के बाद इधर में हमको ग्लास लगाना है। ये क्राफ्टिंग टेबल आ चुका है मेरे, गलती से ग्लास ले लेते हैं। यहाँ पर हमको ग्लास लगाते जाना है, यहाँ पर जैसे ही ग्लास लगाएंगे यहाँ पर ऊपर में भी एक ग्लास लगाना है। सो गाइस इतना करने के बाद हमको जो है यहाँ पर एक ग्लास और ये हॉपर को रख लेता हूँ मैं। उसके बाद हमको जो है एक वाटर बकेट लेना है, यहाँ पर डाल देना है वाटर को, यहाँ पर वाटर डाल लेने के बाद उसके बाद जो है हमको यहाँ पर बनाना है आगे का। हमको यहाँ पर मेन जो जहाँ से कॉबल स्टोन आएगा वो सिस्टम बनाना है इधर पे। फिलहाल जो है यहाँ पर रात हो रही है तो पहले सो लेते हैं, उसके बाद हम जो है कल उठ के काम करेंगे। यहाँ पर इस ये रास्ते को बंद कर देते हैं क्योंकि इस रास्ते की ज़रूरत नहीं है अब हमको।
तो यहाँ पर ग्रास लगा लेते हैं। सो गाइस नेक्स्ट डे हो चुका है, यहाँ पर हमको जो है अब लीव्स लगाते जाना है। यहाँ पर इधर मैंने जो है शेयर्स के थ्रू लीव्स को कलेक्ट करके लाया हूँ, तो यहाँ पर हमको लीव लगाना है इधर में। यहाँ पर एक लीव लगाने के बाद इधर में एक लगाना है, और इधर में एक टेम्प्ररी ब्लॉक को प्लेस करना है। उसके बाद एक इधर आएगा, एक इधर, उसके बाद ये ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा डिज़ाइन बनेगा। यहाँ पर एक लीव लगाना है, उसके बाद हमको यहाँ पर टेम्प्ररी ब्लॉक्स लगाना है। लगाने के बाद में यहाँ पर भी एक लीव लगाना है, उसके बाद नेक्स्ट लीव आएगा हमारा यहाँ पे। उसके बाद ये टेम्प्ररी ब्लॉक्स को हम तोड़ सकते हैं। यहाँ पर टेम्प्ररी ब्लॉक्स तोड़ने के बाद में यहाँ पर इस कोने से भी हमको लीव लगाते जाना है। कुछ इस तरीके से लीव लगाएंगे, यहाँ पर एक लीव आएगी तो इसको हमको तोड़ना पड़ेगा। सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे को लीव लगाने के बाद कुछ ऐसे दिखने लग जाएगा हमारा फार्म। यहाँ पर इतना बन जाने के बाद, यहाँ पर इतना बन जाने के बाद और 3 हाइट को ऊपर कर देना है। ये 1 हो गई पहले से, उसके बाद और 3 बढ़ाना है, टोटल 4 करना है। यहाँ पर ये 2, ये 3, ये 4, इतना करने के बाद यहाँ पर सभी में 4-4 तक बना देना है। सो गाइस इतना काम हो जाने के बाद हमारा जो फार्म है कुछ ऐसे दिखने लग जाएगा। यहाँ पर ये हमको 4-4 ब्लॉक्स वाला बनाना है ऊपर। यहाँ पर इतना करने के बाद, यहाँ पर इतना करने के बाद सभी लीव्स में वाटर भर देना है। ये क्या वाटर बोलते हैं, ऊपर रेन शुरू हो गई यहाँ पर। तो हमको करना क्या है कि यहाँ पर ये सभी लीव में वाटर भर देना है। आपको लग रहा होगा कि मैं ये क्या पागल बातें कर रहा हूँ। हाँ गाइस, यही चीज़ 1.19 में ऐड हो चुकी है। यहाँ पर हम लीव्स को वाटर लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एग्जांपल के लिए मैं बता दूँ, यहाँ पर देखिए मैं जैसे ही लीव के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, ये वाटर इस लीव के अंदर चला जाएगा। इससे होगा ये कि जब भी हम कुछ भी ब्लास्ट करेंगे अंदर, तो यहाँ पर हमारे को प्रॉब्लम नहीं होगी ऊपर साइड में। यहाँ पर हमारे जो लीव्स हैं ये टूटेंगे नहीं, इसीलिए हमको यहाँ पर इसको वाटर लॉक कर देना है। तो यहाँ पर जल्दी से मैं सभी में लीव में वाटर भर देता हूँ। तो गाइस इतना होने के बाद हमारा जो है कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा फार्म। यहाँ पर देखिए सभी लीव्स में मैंने जो है वाटर भर दिया है। यहाँ पर अब कुछ भी ब्लास्ट करेंगे तो ये लीव टूटेंगे नहीं इस वाटर की वजह से। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा हमारा फार्म। यहाँ पर अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बहुत सारा काम बाकी है इस फार्म में। आप बोल सकते हैं कि ये 40% कंप्लीट हो चुका है। अभी ऊपर जो है हमको ड्यूपर भी बनाना है, आजू बाजू से सब स्टोन का बनने के लिए वो भी कंट्रप्शन बना देना है पूरा। तो यहाँ पर जल्दी से बना लेंगे। सो गाइस इतना काम करने के बाद हमको अब चाहिए लावा। लावा की ज़रूरत आ चुकी है यहाँ पर। हमको सभी लावा को यहाँ पर रख लेता हूँ मैं जल्दी से। यहाँ पर सभी लावा की बकेट मैंने रख ली है। यहाँ पर हमको सभी में लावा डालते जाना है। पहले यहाँ पर एक टेम्प्ररी ब्लॉक प्लेस करना है, उसके ऊपर लावा डाल देना है। जैसे ही हम यहाँ पर लावा डालेंगे, यहाँ पर देख लीजिए आप, दोनों साइड से कोबल स्टोन बन जाएगा। जैसे ही कोबल स्टोन बनेगा इसको तोड़ देना है। यहाँ पर नीचे भी लावा आएगा तो यहाँ पर भी कोबल स्टोन बनेगा। यहाँ पर भी जैसे ही कोबल स्टोन बनेगा हमको यहाँ पर ऊपर चले जाना है इधर में। यहाँ पर ऊपर आने के बाद यहाँ पर भी एक लावा की बकेट डाल देना है। जल्दी से लावा निकाल लेते हैं, यहाँ पर डालते हैं। यहाँ पर देखिए लावा डालने के बाद यहाँ पर भी बन चुका है। तो एक और ब्लॉक ऊपर लगाना है और यहाँ पर भी लावा की बकेट लगा देना है। यहाँ पर जल्दी से मैं इधर भी लावा बकेट डाल देता हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ भी स्टोन बन जाएगा। उसके बाद हमको जो है ये तोड़ते जाना है सभी तरफ में। यहाँ पर भी जो टेम्प्ररी ब्लॉक लगाए थे वो तोड़ेंगे तो यहाँ पर भी कोबल स्टोन बन जाएगा। कुछ ऐसे दिखने लग जाएगा हमारा फार्म। यहाँ पर दिखे, यहाँ पर जैसे ही ये टूटेगा फिर से नया तो जो है लावा कोबल स्टोन बना देगा। यहाँ पर हमको सभी साइड में सेम टू सेम ऐसे ही करते जाना है ताकि ये कोबल स्टोन बनाते जाए। सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो है सभी तरफ में लावा को डाल दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का लुक आएगा हमारा लावा डालने के बाद स्टोन का, ऐसा ये बन जाएगा आजू बाजू उसके। तो कुछ इस तरीके का हमको लुक देखने को मिलेगा। सो गाइस इतना करने के बाद हमको जो है लैडर की ज़रूरत पड़ेगी, एक ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद और थोड़े लीव्स की ज़रूरत है, और उसके बाद ऊपर जाके देख लेंगे बाद में जो भी ज़रूरत पड़ेगी उसको डायरेक्ट लेके जाएंगे। यहाँ पर हमको लैडर्स लगाकर ऊपर चढ़ना है। उसके बाद जैसे हम इधर पर चढ़ेंगे, इधर में हमको 2 टेम्प्ररी ब्लॉक लगाना है, उसके बाद एक ऑक्सीडियन लगाने के बाद उधर जाना है। उसके बाद हमको जो है इधर से लीव्स लेंगे, यहाँ पर भी ऐसा एक राउंड टाइप बना देंगे। राउंड तो माइनक्राफ्ट में बनता नहीं है, ऐसे कुछ बनाना है हमको। इस तरीके से बनाने के बाद इधर साइड में भी इधर लीव को लगा देना है।
उसके बाद हमको जो है इन सभी लीव्स को भी वाटर लॉक कर देना है। यहाँ पर इतना वाटर लॉक करने के बाद सभी लीव्स को इधर से हमको नीचे चले जाना है, क्योंकि यहाँ पर हमको एक ट्रैप डोर की ज़रूरत है। इधर से एक ही ट्रैप डोर ले लेते हैं, इन्वेंट्री में स्पेस नहीं भरेंगे। उसके बाद हमको जो है पिस्टन की भी ज़रूरत है, इसकी भी ज़रूरत है, नोड ब्लॉक भी चाहिए, TNT सैंड ऑब्जर्वर, ये सभी चीज़ों की ज़रूरत है। इसको एक ही बार में ऊपर लेके चलते हैं, बार बार नीचे आना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हमको जो है बीच में एक ट्रैप डोर लगा देना है। लगाने के बाद यहाँ पर मैंने जो है ट्रैप डोर लगाया है, इसको ऊपर साइड में नहीं, उसको नीचे साइड में लगाना पड़ेगा। अच्छा हुआ मैं जो है एक्स्ट्रा ट्रैप डोर लेके आ गया था, क्योंकि वो तो नीचे चला जा चुका है। तो यहाँ पर नीचे लगाने के बाद एक और वाटर बकेट इधर में डाल देना है। वाटर बकेट डालने के बाद हमको जो है इधर साइड में आना है, जहाँ पर ऑब्सीडियन लगाया है उसके अपोजिट साइड में आना है हमको। यहाँ पर मैं अपोजिट साइड में आ जाता हूँ। उसके बाद इधर में हमको जो है टेम्प्रेरी ब्लॉक्स नहीं, इस ब्लॉक को प्लेस करना है। फिर उसके डायगनली एक और ब्लॉक प्लेस करना है। उसके बाद हमको इधर साइड में एक स्लैब प्लेस करना है। स्लैब्स को निकालते हैं, इधर स्लैब लगाना है। फिर उसके बाद हमको ऑब्जर्वर निकालना है अपनी इन्वेंट्री में से। यहाँ पर से ऑब्जर्वर ले लेते हैं। उसके बाद हमको यहाँ पर एक ऐसा ऑब्जर्वर लगाना है जो कि उधर साइड में फेस कर रहा हो, यहाँ पर इस साइड में फेस कर रहा हो, ऑब्जर्वर लगाना है। उसके बाजू में एक और लगाना है जो कि उधर साइड फेस करेगा ऑब्जर्वर। यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनाने के बाद, ऑब्जर्वर लगाने के बाद हमको जो है यहाँ पर एक नोड ब्लॉक लगा देना है इसके बाजू में। उसके बाद एक बिल्डिंग ब्लॉक इधर लगा दे देना है। इधर में बिल्डिंग ब्लॉक लगा लेते हैं। उसके बाद हमको जो है ये टेम्प्रेरी ब्लॉक्स को हटा देना है। हटाने के बाद यहाँ पर ऊपर में फेस करता हुआ एक और ऑब्जर्वर लगाना है इधर में। जल्दी से इधर ऑब्जर्वर निकाल लेते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाना है कि ये ऊपर में फेस करना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर में फेस करना चाहिए। और एक और ट्रैप डोर लगाना है इधर में। इधर ट्रैप डोर लगाने के बाद फिर से इधर वाटर डाल देना है। इतना करने के बाद हमको जो है यहाँ पर दो पिस्टन लगाना पड़ेगा। इधर में एक इधर साइड फेस करता हुआ, एक इधर साइड फेस करता हुआ, ऐसे दो पिस्टन लगा देने हैं यहाँ पर। यहाँ पर इतना करने के बाद मुझे फिर से स्लैब्स लगाने पड़ेंगे। इधर में स्लैब्स लगा लेते हैं। उसके बाद एक इधर, फिर एक इधर लगा लेना है। उसके बाद इधर में एक टेम्प्ररी ब्लॉक प्लेस करना है। उसके बाद हमको इस बिल्डिंग ब्लॉक के निकाल के इसको इधर में प्लेस करना है। फिर इसको तोड़ देना है। इसको तोड़ने के बाद एक और इधर में ब्लॉक लगा देना है। यहाँ पर कुछ इस टाइप का हमको बनाना है। इधर में इतना करने के बाद हमको जो है रेडस्टोन लेना है। इधर में 3 रेडस्टोन डाल देना है। 3 रेडस्टोन डालने के बाद इधर में 3 टेम्प्ररी ब्लॉक्स को प्लेस करना है। इतना कर लेने के बाद हमको यहाँ पर एक ऑब्जर्वर लगाना है उधर साइड में फेस करता हुआ, और एक इधर में नोड ब्लॉक, फिर एक वापस से एक और ऑब्जर्वर लगा देना है इधर में उधर साइड में फेस करता हुआ। इतना बनाने के बाद, सो गाइस इतना करने के बाद हमको ये जो टेम्प्ररी ब्लॉक्स मैंने यहाँ पर लगाए थे इसको यहाँ पर हमको तोड़ लेना है। उसके बाद इधर में एक टेम्प्ररी ब्लॉक लगाना है, एक इधर में लगा लेना है। उसके बाद हमको इधर में एक नोड ब्लॉक लगाना पड़ेगा। इधर एक नोड ब्लॉक को लगा लेते हैं। हमारे नोड ब्लॉक लग जाने के बाद यहाँ पर ऑब्जर्वर को लेके नीचे साइड में फेस, यहाँ पर ऊपर साइड में फेस करता हुआ एक ऑब्जर्वर लगा देना है हमको। सॉरी, नीचे साइड में फेस करता है एक ऑब्जर्वर लगा लेना है। उसके बाद ये दोनों टेम्प्रेरी ब्लॉक्स को हम तोड़ सकते हैं। यहाँ पर इतना हो जाने के बाद हमको यहाँ पर ट्रैप डोर लगाना है इधर में। इधर में ट्रैप डोर, फिर इसको ट्रैप डोर को फेस करता हुआ एक ऑब्जर्वर, इधर में एक ऑब्जर्वर लगा देंगे। उसके बाद इधर में लगाएंगे एक स्लैब इसके ऊपर, ये जो हमारा नोड ब्लॉक लगाया है उसके ऊपर स्लैब लगा देंगे इधर में। सो गाइस यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है। यहाँ पर ये जो नोड ब्लॉक और ऑब्जर्वर लगाया है ये इस साइड नहीं बल्कि उस साइड आना है। तो यहाँ पर इसको जल्दी से तोड़ लेते हैं, उसको सेम टू सेम इधर साइड में बना लेंगे। यहाँ पर एक टेम्प्ररी ब्लॉक इधर लगाना है, एक टेम्प्ररी ब्लॉक इधर में लगाना है। उसके बाद इधर एक नोड ब्लॉक आएगा। सो गाइस इतना बना लेने के बाद हमको यहाँ पर एक पिस्टन लेना है। कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पर लगाना है कि ये ऊपर साइड में फेस करता हुआ रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे उतरना है। उतरने के बाद इधर चारों साइड में हमको स्लैब्स लगाते जाना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर एक टेम्प्ररी ब्लॉक्स लगा के इधर में स्लैब लगाना है कुछ इस तरीके से। हमको स्लैब लगाने के बाद उसके बाद यहाँ पर ये जो पिस्टन है इसके ऊपर हमको एक सैंड रख देना है। सो गाइस इतना बना लेने के बाद हमको यहाँ पर सभी में रिपीटर्स लगाते जाना है। तो यहाँ पर एक रिपीटर एक इधर में आएगा, एक इधर, ये गलत लग चुका है तो इसको तोड़ लेंगे। उसके बाद हमारा जो है रिपीटर कुछ इस टाइप से आएगा, इधर वाला रिपीटर इस टाइप से। इन सभी को हमको जो है 4 टिक पे करना है और इस वाले को 3 टिक पे यहाँ पर करना है हमको।
यहाँ पर इतना होने के बाद हमको जो है यहाँ पर सभी में ये जो है ब्लॉक्स लगाते जाना है। तो इधर में एक ब्लॉक आएगा, उसके बाद एक इधर आएगा ब्लॉक, यहाँ पर ये नीचे लग गया है तो इसको हमको ऊपर लगाना है। तो एक ब्लॉक इधर में आएगा, उसके बाद एक ब्लॉक इधर में आएगा। इतना हो जाने के बाद हमको इधर साइड में आ जाना है, इधर पे नीचे आना है। इधर नीचे आने के बाद इधर हम रेड स्टोन के साइड में आने के बाद इधर में हमको ऊपर चढ़ना है और इधर में ऑब्जर्वर को निकाल लेना है। इधर एक ऑब्जर्वर प्लेस करना है, उसके बाद यहाँ से एक TNT इधर में प्लेस करना है, उसके बाद हमारा काम इधर साइड का डन हुआ है। सो गाइस, इतना होने के बाद हमको इधर में हमारा लीवर और बटन को निकाल लेना है। लीवर आएगा इधर साइड में और बटन हमारा आएगा इधर ऊपर साइड में। अब इसको एक बार क्लिक कर देना है, यहाँ पर हमारा TNT नीचे जाएगा, एक बार ब्लास्ट होना चाहिए। तो गाइस, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा ब्लास्ट हुआ है, मीन्स हमारा जो है ये पंप एकदम सही तरीके से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर इस टाइप से हमारा फार्म बनेगा। तो यहाँ पर इस गड्ढे को मैं भर लेता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फार्म कंप्लीट हो चुका है। चारों तरफ से इसकी कैसी लुक आ रही है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया था, ये बहुत छोटा कॉम्पैक्ट सा यहाँ पर हमारा स्टोन फार्म है, बट बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है यहाँ पर। तो चलिए, मोमेंट ऑफ ट्रुथ की बारी आ चुकी है। यहाँ पर हमारा फार्म को चालू करके देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। पहले यहाँ पर सभी के चेस्ट में से जो है यहाँ से खाली कर लेते हैं, जो जो भी आइटम्स यहाँ पर आए हैं सभी में से खाली कर लेंगे। उसके बाद जब ये हमारे फार्म को चालू करके देखेंगे कि वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर सभी चेस्ट हमारी खाली है, तो ये मेरे इन्वेंट्री में भी जो भी सामान है इसको भी अंदर रख लेते हैं। इसके बाद अब नाव हम हमारे फार्म को चालू कर लेते हैं। तो एक बार लीवर को क्लिक करना है, उसके बाद ये बटन को प्रेस कर देना है। यहाँ पर जैसे प्रेस करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लास्ट हो रहा है और यहाँ पर हमारे स्टोन टूटते जा रहे हैं। और ये कितनी स्पीड में टूट रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर में इतनी स्पीड से टूटने की वजह से बहुत ज़्यादा हमारे को स्टोन मिलते हैं। इधर में देखिए आप कितनी स्पीड से टूट रहे हैं और साथ में मुझे भी डैमेज मिल रहा है। तो यहाँ पर इससे थोड़ा दूर चले जाते हैं, नहीं तो हमको भी डैमेज मिलता रहेगा। और ये फार्म बहुत ज़्यादा ही आवाज़ कर रहा है यहाँ पर, जैसे कि आपको सुनने मिल रहा होगा, तो बहुत ज़्यादा ही साउंड कर रहा है। तो यहाँ पर चेस्ट में देखिए, अभी अभी मैंने चालू किया है, सभी में एक एक स्टैक यहाँ पर स्टोन आ चुका है। अभी अभी चालू करने के बाद भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हमारे को स्टोन प्रोड्यूस कर रहा है ये फार्म। तो ये हमारे आर्मर को भी थोड़ा बहुत डैमेज कर रहा है, तो इससे फार्म से थोड़ी दूरी बनाना ही सही होगा, नहीं तो हमारे को ऐसे मार पड़ता रहेगा। तो हमको इससे थोड़ी दूरी बनाते रहना पड़ेगा, तभी हमको जो है ये फार्म का वर्क अच्छी तरीके से वर्क करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ का ये जो TNT ड्यूपर है ये भी नहीं टूट रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा दूर चले जाते हैं, आपको मैं बताता हूँ इस फार्म के बारे में। यहाँ पर उसके करीब ठहरेंगे तो आवाज़ आती रहेगी, थोड़ा सा दूर चले जाते हैं। तो गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो फार्म है एकदम बिल्कुल रेडी है। इतने छोटा साइज़ है इसका, फिर भी इतने ज़्यादा स्टोन को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये फार्म जो है, इसका जो ड्यूपर है ये बार बार टूटेगा नहीं, ये एकदम अलग टाइप का ड्यूपर है। नॉर्मली जो ड्यूपर बनाते हैं, मैंने जो लास्ट वाले स्टोन फार्म में बनाया था उस टाइप का ड्यूपर बनाते हैं सभी लोग, ये फार्म में जो है एक स्पेशल टाइप का ड्यूपर बनाया है। ये अलग टाइप का ड्यूपर है, इससे भी TNT डुप्लीकेट होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा स्पीड में TNT ब्लास्ट होते जा रहे हैं और यहाँ पर हमको स्टोन मिलता जा रहा है। यहाँ पर देखिए इधर से कितना स्टोन आते जा रहा है। यहाँ पर आएंगे तो हमको थोड़ा सा देखते हुए आना पड़ेगा, नहीं तो हमको भी थोड़ा डैमेज मिलता रहेगा। यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा स्टोन आया है, सभी में एक एक स्टैक तो है ही है। यहाँ पर देखिए ये फिर इस फार्म के बोल सकते हैं एक डिसएडवांटेज ये है कि बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है और यहाँ पर इसके नज़दीक जाने पर हमको भी थोड़ा सा डैमेज पड़ता है। अगर आपके पास तगड़ा आर्मर होगा तो इसके डैमेज का कुछ भी पता नहीं चलेगा आपको। अगर आपके पास तगड़ा आर्मर नहीं है, बिना आर्मर के आप आ रहे हैं, तो अच्छा खासा डैमेज पड़ेगा आपको। यहाँ पर मैं आर्मर निकाल लेता हूँ, एक बार टेस्ट भी कर लिया जाए। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, तो गाइस उतना ज़्यादा भी डैमेज नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर हाफ हाफ हाथ का जो है हमको डैमेज पड़ रहा है, कभी एक हाथ का डैमेज पड़ रहा है, तो इस टाइप का कुछ हमको डैमेज पड़ रहा है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्पीड में वर्क कर रहा है हमारा ये फार्म। यहाँ पर ये चेस्ट का जो है ऊपर का स्लोट पूरा फुल ही होने आया है, कुछ ही टाइम में ये फुल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कितनी स्पीड से आते जा रहे हैं कोबल स्टोन। यहाँ पर भी देखिए सभी में इतनी ज़्यादा ज़्यादा कोबल स्टोन भर चुके हैं।
तो क्या ही बताऊँ मैं आपको, ये हमारी जो इतने घंटों की मेहनत है, ये वीडियो उतने घंटे का नहीं होगा, बट ये जो हम मेरे को फार्म बनाने में जो टाइम लगाया, बहुत घंटे लगे हैं मुझे ये फार्म बनाने। बीच में जो है वीडियो को एडिट करते जब कट करते जाते हैं, क्योंकि जो रिपीटेड काम होता है, बोरिंग पार्ट जो होता है, इसको कट कर देता हूँ मैं, तो इसलिए जो है ये वीडियो छोटा होता है। बट मेरे को एक्चुअल ये फार्म बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो नीचे इस फार्म के लिए एक लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा, और ये चैनल पर जो भी नए हैं वो लोग सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर से दबा दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली सभी एपिसोड और वीडियोस, गेम प्ले, ये सभी चीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और बहुत जल्द मैं GTA 5 की भी सीरीज़ लाने वाला हूँ, तो जल्दी से नीचे जाकर लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर से दबा दीजिएगा। यहाँ पर घर के अंदर जाते हैं, यहाँ पर जाने के बाद थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है, बट उतनी ज़्यादा भी नहीं आ रही, उतनी कम भी नहीं आ रही है, एकदम मीडियम साउंड है। ये बहुत ज़्यादा स्पीड में टूटता है, आई थिंक मुझे थोड़ा इसको दूर बनाना चाहिए था, तभी जाकर हमको जो है एक अच्छा रिज़ल्ट मिलता। मीन्स ये रिज़ल्ट तो अच्छा दे रहा है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि घर में बहुत ज़्यादा ही साउंड कर रहा है ये फार्म। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी स्पीड में हमारे TNT फूट रहे हैं, इसीलिए हमको इतने ज़्यादा स्टोन मिल रहे हैं। और ये लीव्स क्यों नहीं टूट रहे हैं, इसका रीज़न ये है, यहाँ पर हमने वाटर लॉक कर दिया है ये सभी लीव्स को। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ का एक भी लीव नहीं टूटेगा, क्योंकि हमने सभी में वाटर डाल दिया है। तो यहाँ पर चेस्ट में आप देखते हैं कितनी कलेक्ट हुए हैं, तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने ज़्यादा स्टैक्स कलेक्ट हुए हैं आपसे बात करते करते ही। यहाँ पर सभी चेस्ट में देखिए कुछ ना कुछ स्टोन है ही है, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत सारे स्टैक्स हम यहाँ पर भरे हुए हैं। तो अब बारी आती है इसमें एक सुपर स्मेल्टर बनाने की, तो उसको कैसे बनाया जाए थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर ये फान जो है बहुत ज़्यादा ही आवाज़ कर रहा है, पहले इसको बंद कर लेते हैं, उसके बाद हमारा जो स्मेल्टर का काम करेंगे, नहीं तो ये गाइस मैं यहाँ लावा में गिर चुका हूँ, जल्दी से बाहर आते हैं। अच्छा हुआ यहाँ पर बारिश हो रही है कि यहाँ पर मैं बच चुका हूँ, यहाँ पर मेरा आर्मर भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ है, बट फिर भी इसको जाकर हमारे एक्सट्री फार्म में रिपेयर कर लेंगे, कोई बात नहीं। बट बहुत अच्छी बात यह है कि मैं लावा से बच चुका हूँ, यहाँ पर मेरा आर्मर बच चुका है, मुझे बता दिया है। आर्मर की यही खासियत होती है प्रोटेक्शन फोर लगाने से, कि हमको जो है ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ेगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो जल्दी से मैं इसको फार्म को बंद कर लेता हूँ, उसके बाद हम जो है स्मेल्टर का काम करेंगे। यहाँ पर हमको सिर्फ ये लीवर को फ्लिक कर देना है, उसके बाद हमारा फार्म बंद हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फार्म बंद हो चुका है, इधर में TNT भी है हमारा, इधर में सभी तरफ देख सकते हैं सभी चीज़ एकदम जैसी थी वैसे ही है। तो इधर में देख लेंगे, तो देखें यहाँ पर और भी स्टोन आता ही जा रहा है हॉपर में जो भी भरा हुआ था। तो अब थोड़ा सा अपने फार्म के स्मेल्टर का थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे बनाया जाए। सो गाइस आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर एक जिप टाइप सा गड्ढा बना दिया है। तो यहाँ पर मैंने इसको फाइनली पूरा कैलकुलेशन करके मैंने इधर पे बनाया है कि किस तरीके से मुझे सुपर स्मेल्टर बनाना चाहिए मेरे इस फार्म के लिए। तो यहाँ पर आएगा हमारा पहले यहाँ पर चेस्ट आएगा, तो यहाँ पर जो भी ड्यूपर जो हमारा जो सुपर स्मेल्टर था उसके भी जो है मैंने आइटम्स लगा के रख दिए हैं। अब जो सुपर स्मेल्टर के लिए जो फ्यूल चाहिए वो फ्यूल कहाँ से आएगा, तो यहाँ पर हमको फ्यूल को बार बार डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माइनक्राफ्ट का जावा एडिशन किसी ने खेला होगा तो उनको पता होगा कि हम कारपेट के थ्रू भी फर्नेस में फ्यूल को यूज़ कर सकते हैं, कारपेट को एज ए कोल एज कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम स्मेल्ट कर पाएंगे चीज़ें आइटम्स जो है हमको जो है। यहाँ पर मैंने एक ड्यूपर बनाने वाला हूँ कारपेट का, जिससे जो है हमारे को अनलिमिटेड फ्यूल बनता जाएगा, यहाँ पर हमको बार बार आकर हमको कोल ये वो डालते जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कोल को ढूंढते जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ पर एक ड्यूपर बना देंगे तो ख़त्म, उसके बाद हमको जो है यहाँ पर फ्यूल डालने की भी ज़रूरत नहीं है, और स्टोन भी यहाँ से आता रहेगा। तो जैसे हम यहाँ पर नीचे की चेस्ट खोलेंगे तो हमको स्टोन मिल जाएगा, उससे हम कुछ भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर मुझे जो भी स्मेल्टर बनाना है उसके लिए यहाँ पर मैंने पूरा एरिया क्लियर आउट कर लिया है। यहाँ पर मैं सभी आइटम्स को पहले कलेक्ट कर लेता हूँ, अपनी इन्वेंटरी में रख लेंगे, उसके बाद आगे का काम कर लेंगे उधर जाके। सो गाइस हमको करना ये है कि पहले यहाँ पर हमको चेस्ट लगानी है, इधर में यहाँ पर हमको ऐसे चेस्ट लगानी है, डबल चेस्ट। यहाँ पर ये डबल चेस्ट नहीं बनी है तो इसको तोड़ना पड़ेगा, इधर में ऐसे लगाएंगे तो जब बनेगी डबल चेस्ट। यहाँ पर हमारी डबल चेस्ट बन चुकी है, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता ब्लॉक हो गया है, तो यहाँ से ही तोड़ के चलते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर तोड़ के हम मैं ऊपर तो आ चुका हूँ,
यहाँ पर ऊपर आने के बाद मुझे यहाँ पर एक हॉपर लगाना है इधर में, तो हॉपर को बाहर निकाल लेते हैं, एक हॉपर इधर लगाना है। जैसे हम इधर हॉपर लगाएंगे यहाँ पर हमारा फ्यूल इसके अंदर चला जाएगा, तो हमको फ्यूल के लिए जो है हम कारपेट को एज ए फ्यूल यूज़ करने वाले हैं, तो उसके लिए हमको इधर साइड में बनाना पड़ेगा हमारा। यहाँ पर रखते हैं, इधर आएगा हमारा पिस्टन, तो यहाँ से हमको कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा। यहाँ पर इतना शायद से इनफ है बनाना। यहाँ पर हमारा आएगा एक रिपीटर, रिपीटर को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारा एक रिपीटर आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा कंपैरेटर, इधर में हमारा कंपैरेटर आ चुका है, तो इसको ऑन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा डलेगा रेडस्टोन डस्ट, इधर में हमारा रेडस्टोन डस्ट आ चुका है। यहाँ पर हमको एक और ब्लॉक लगाना पड़ेगा, इधर एक और ब्लॉक लगा लेते हैं, यहाँ पर एक और ब्लॉक लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे लीवर, तो हमारा यहाँ जो है ये जो हमारा रिपीटर है वो हमारा बन चुका है, क्लॉक बन चुकी है इधर में, जो हमारे पिस्टन को बार बार एक्टिवेट करते रहेगी, तो यहाँ पर हमारी क्लॉक बन चुकी है। उसके बाद हमको यहाँ पर इसको इधर बना लेते हैं, इधर में ये डालते हैं। उसके बाद आई थिंक इसको इधर ही रहना चाहिए, इसको इधर डालते हैं। उसके बाद हमारा रिपीटर कहाँ चला गया, यहाँ पर हमारा रिपीटर है, इसको उठा लेंगे, इसको यहाँ लगाएंगे। इसको रिपीटर को कुछ भी नहीं छेड़ना है हमको। यहाँ पर हमको लगाना है हमारा पिस्टन, पिस्टन कहाँ चला गया हमारा, यहाँ पर आ गया हमारा स्टीगी पिस्टन, उसको इधर में लगा लेना है। यहाँ पर हमारे पिस्टन को लगाने के बाद जैसे हम इधर पिस्टन को लगाएंगे, हमको इधर लगाना है स्लाइम ब्लॉक्स, यहाँ पर हमारा स्लाइम ब्लॉक्स को लगाते जाना है। यहाँ पर हुए हैं हमारे 3 स्लाइम ब्लॉक्स, यहाँ पर 4, ये 5 हमको स्लाइम ब्लॉक्स लगाना है। उसके बाद हमको लगाना है कोरल, यहाँ पर कोरल लगाना है। आई थिंक थोड़ा सा गलत हो चुका है फार्म, एक ब्लॉक पीछे आना चाहिए, थोड़ा नाइट हो रही है, पहले सो के उठ लेते हैं, उसके बाद एक और ब्लॉक पीछे करेंगे। सो गाइज यहाँ पर नेक्स्ट डे हो चुका है, यहाँ पर मैंने एक और ब्लॉक पीछे ले लिया है इसको, यहाँ पर मैंने जो बनाया था सेम टू सेम इधर बना लेते हैं वापस से। इधर एक लगाना है, इसको चालू कर देना है। उसके बाद यहाँ पर रिपीटर लगाना है एक, इधर में रिपीटर लगाएंगे। उसके बाद सभी में रेडस्टोन डस्ट डालते जाएंगे, इधर में रेडस्टोन डस्ट को लेते हैं, यहाँ पर ऐसे रेडस्टोन डस्ट को डालेंगे। उसके बाद एक लीवर लगाएंगे इधर में, ताकि हम ऑन ऑफ कर पाएँ इसको। यहाँ पर हमको लगाना है एक पिस्टन, हमारा स्टिकी पिस्टन यहाँ पर लगाना है। उसके बाद हमको यहाँ पर लगाना है एक स्लाइम ब्लॉक, एक नहीं हमको 5 स्लाइम ब्लॉक लगाना है, 1 2 3 4 5, 5 स्लाइम ब्लॉक लग चुके हैं। यहाँ पर हमको लगाना है अपना कोरल, यहाँ पर ये डेड में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप ही, यहाँ पर देखिए डेड में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर हमको कारपेट लगाना है, यहाँ पर 2 ही कारपेट हैं और 2 कारपेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर कोई बात नहीं, इसको लगा लेते हैं, जैसे ही डुप्लीकेट होगी और एक बार लगा लेंगे यहाँ पर। यहाँ पर हमारा कारपेट भी लग चुका है। उसके बाद हमारा ये जो ड्यूपर है ये तो रेडी है, हमको ग्लास लगाना है चारों तरफ से, तो यहाँ पर ग्लास को निकाल लेते हैं। उसके बाद लगाएंगे ग्लास को इधर में, ताकि हम ग्लास इसलिए लगा रहे हैं हमारे जो भी कारपेट यहाँ से आएगी तो वो नीचे ना चले जाए, दूसरी तरफ नहीं चली जाए, इसीलिए यहाँ पर हमको ग्लास लगाना पड़ेगा, नहीं तो आसपास कहीं भी जाते रहेगी उसमें हमारा ही नुकसान है। तो यहाँ पर सभी तरफ में मैं जो है ग्लास लगा लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इधर में ग्लास भी लगा दिया है, तो एक बार हमारे इस फार्म को चालू करके देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर लगता है कुछ गड़बड़ी हो गई है, हमारा ये फार्म जो है वर्क नहीं कर रहा है। सो गाइस मैंने यहाँ पर इसको जो है एक ब्लॉक थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा बना दिया है, तो यहाँ पर इसको ऐसे तोड़ना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर एक ब्लॉक की वजह से यहाँ पर हमारे को प्रॉब्लम हो रही है थी, तो यहाँ पर इसको लीवर को बाहर निकाल लेते हैं, इधर में लीवर लगाएंगे, इधर लीवर लगा लेंगे। इसके बाद हमारा ये जो है डन हो चुका है हमारा ड्यूपर, ये इसको चालू करते हैं। यहाँ पर ड्यूपर चालू तो हो गया है बट आगे पीछे नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो नीचे का थोड़ा ब्लॉक हटा के देखते हैं, आ गए यहाँ पर ये नीचे का ब्लॉक हटाते ही और काम करने लग गया है। सो गाइज यहाँ पर नीचे के ब्लॉक की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी, तो यहाँ पर मैंने नीचे के ब्लॉक्स भी लगाए, और यहाँ पर जो साइड में इधर साइड में जो ग्लास लगाए थे इसके भी प्रॉब्लम की वजह से ये
स्लाइम जो है मूव नहीं कर रहे थे, इस वजह से यहाँ पर हमारा फार्म वर्क नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हमारा फार्म अब परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारी कारपेट जो है डुप्लीकेट हो रही है। तो यहाँ पर मैं इसको बंद कर लेता हूँ। इधर में जो है कारपेट जो आई है इसको बाहर निकाल लेते हैं। दो कारपेट को बाहर निकालेंगे, यहाँ पर से दो कारपेट को ले लेता हूँ मैं, बाकी के कारपेट को अंदर रखेंगे। यहाँ पर ये जो दो कारपेट लगाने का था यहाँ पर वापस से लगा देते हैं कारपेट। अब और स्पीड में हमारा कारपेट डुप्लीकेट होता रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे कितनी स्पीड में यहाँ पर कारपेट आते जा रहे हैं हमारे चेस्ट के अंदर में। यहाँ पर आप देख लीजिए कितनी स्पीड में हमारे कारपेट आ रहे हैं। यहाँ पर हमको नीचे जाना पड़ेगा। इधर में आने के बाद हमको इधर में एक ये लगाना है पावर रेल। इधर में एक पावर रेल को लगा लेते हैं। उसके बाद इधर का एक ब्लॉक तोड़ना पड़ेगा मुझको। यहाँ पर के ब्लॉक को तोड़ के इधर एक लीवर को लगा देंगे, लीवर लगा देंगे ताकि इसको बंद चालू कर सकें हम, जिससे जो है हमारी यहाँ की रेल रुक जाएगी, नहीं तो ये चलती ही रहेगी। ये करने के बाद इधर में एक नॉर्मल वाली रेल लगानी है। उसके बाद हमको यहाँ पर सभी में हॉपर लगाते जाना है। तो यहाँ पर का इतना काम हो चुका है, यहाँ पर इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर से मैं ऊपर चल लेता हूँ। सो गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो है सभी जो भी प्रॉब्लम हो रही थी इस ड्यूपर के अंदर मैंने सभी को फिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर जैसे ही मैं चालू करूँगा यहाँ पर ये जो है कारपेट डुप्लीकेट होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देखिए इसमें ऑलरेडी इतनी सारी कारपेट यहाँ पर जमा हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी सारी कारपेट यहाँ पर जमा हो गई है। तो यहाँ पर इधर गिलास के पास भी मैंने हॉपर इसलिए लगाया है ताकि जब भी मैं ऑन कर रहा था यहाँ पर एक कोने में पर आके बैठ जा रहे थे कारपेट, तो मैंने इधर पे भी लगा दिया है ताकि इधर के भी जो है कलेक्ट हो जाए सीधे चेस्ट के अंदर, यहाँ पर अटके ना रहें। तो यहाँ पर आपको मैं चालू करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए एकदम स्मूथली तरीके से हमारा कारपेट ड्यूपर वर्क कर रहा है। इधर में मैं दिखा देता हूँ आपको कितनी स्पीड में यहाँ पर कारपेट्स आ रहे हैं। इसी स्पीड से हमारा फ्यूल बनता रहेगा तो हमारे को बार बार आके फ्यूल डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप देखें एक भी कारपेट यहाँ पर अटक नहीं रही है क्योंकि यहाँ पर मैंने सभी तरफ लगा दिया है इसको। यहाँ पर थोड़ी सी कारपेट मेरे पास आ चुकी है तो यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। सो गाइज, हमारा इतना काम होने के बाद हमको यहाँ पर नीचे ही आना पड़ेगा। यहाँ पर आने के बाद हमको इधर में वापस से सेम काम करना है। इधर में एक पावर रेल लगानी है, इधर में पावर रेल लगाएंगे, इधर एक लीवर लगाएंगे, इसको इधर रख लेते हैं, एक लीवर लगा देते हैं इधर में, लीवर इधर लगा के इसको चालू कर देना है ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। और इसके बाद हमको एक सिंपल रेल लगा देनी है इधर पे। सो गाइस, मैं यहाँ पर एक सिंपल रेल लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर हमको सिंपल रेल लगाना है, यहाँ पर ये जो है इसके थ्रू हम बंद चालू करेंगे इसको। उसके बाद हमको जो है यहाँ का वर्क डन हो चुका है। यहाँ पर हमको आना है, आने के बाद इधर में सभी तरफ में फर्नेस लगाते जाना है। फर्नेस को बाहर निकालते हैं, यहाँ पर सभी में फर्नेस लगाते जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे एक हॉपर, सभी में हॉपर लगाते जाएंगे इधर में। यहाँ पर मैं इधर साइड में आ चुका हूँ, यहाँ पर मुझे हॉपर लगाते जाना है। इधर में हॉपर लग चुके हैं, यहाँ पर एक और हॉपर लगाते जाना है मुझे सेम टू सेम इधर में भी। इधर में हॉपर लगाने के बाद यहाँ पर सभी में चेस्ट लगाते जाना है मुझे। चेस्ट को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा गलत लगा चुका हूँ तो यहाँ पर मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा सभी हॉपर्स को। तो यहाँ पर लगाने के बाद मुझे हॉपर इधर साइड में फेस करते हुए लगाना है क्योंकि मैं चेस्ट लगाऊंगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से चेस्ट लगाऊंगा तो हॉपर को इस साइड में फेस करते हुए लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं सिल्क टच की पिकेक से बाहर निकाल लेता हूँ ताकि ये स्टोन मिले मुझे। यहाँ पर वाटर है तो यहाँ पर इधर आएंगे, इसके बाद हमारा ये जो स्टोन था इसको वापस से लगा लेते हैं ताकि ये वापस जैसे का वैसा हो जाए। हॉपर को भी बाहर निकाल लेते हैं, फूड को थोड़ा अंदर रख लेंगे, चेस्ट और हॉपर ले लेंगे अब बाहर। सो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर का सभी जो है चेस्ट जो है लगा दिया है, यहाँ पर हॉपर भी लगा दिया है, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर ऊपर जो भी सामान आएगा वो यहाँ पर नीचे कलेक्ट होता जाएगा। तो यहाँ पर भी मुझे हॉपर की लाइन लगाते जानी है तो यहाँ पर भी हॉपर लगा लेते हैं जल्दी से। इधर में भी मुझे सभी तरफ हॉपर लगा के इसके ऊपर मुझे रेल लगानी है पावर रेल। तो यहाँ पर पावर रेल को निकाल लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर पावर रेल लगाएंगे। यहाँ पर शायद से कुछ गलती हो चुकी है, यहाँ पर एक ब्लॉक ज़्यादा ही ऊपर बना दिया है शायद मैंने। तो यहाँ पर इसको एक ब्लॉक नीचे करना पड़ेगा। तो इसको एक ब्लॉक नीचे करने के लिए फिर से थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। फिलहाल के लिए पहले यहाँ पर ये लगा लेते हैं, उसके बाद आगे का देखेंगे क्या करना है। तो कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पर ये कनेक्ट हो रही है तो
हमारे को कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर हम डायरेक्टली बना ले सकते हैं इसे। तो यहाँ पर मुझे एक ब्लॉक लगाना है, ये ब्लॉक निकाल लेते हैं, इसको यहाँ पर लगा लेते हैं ऐसा। इसको लगाने के बाद इसके पीछे लगाना पड़ेगा एक लीवर, लीवर मुझे यहाँ पर नहीं है मेरे पास, तो क्राफ्ट कर लेते हैं लीवर को। तो लीवर कुछ इस तरीके से बनता है, लीवर को यहाँ पर मैंने क्राफ्ट कर लिया है। तो हमको लीवर जो है इस साइड में लगाना है, उसके बाद इसको चालू कर देना है। यहाँ पर सभी में पावर आ जाएगी, जैसे ही पावर आ जाएगी तो यहाँ पर सभी फर्नेस में जो है कारपेट आना स्टार्ट हो जाएगी। आई थिंक सभी में कारपेट आनी चाहिए, क्योंकि कारपेट नहीं आया है क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी माइनकार्ट ही नहीं लगाई है। यहाँ पर मैंने ही गलती की है और मैं बोल रहा हूँ कि माइनकार्ट यहाँ पर कारपेट क्यों नहीं है। तो यहाँ पर जो है इधर से डाल देते हैं, उसके बाद हमारी माइनकार्ट चलना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर बीच में अटक गई थी कुछ धक्का लगने की वजह से, अब ये चलना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जो है चलते ही रहेगी कितना भी हो जाए। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये चलते ही जा रही है, यहाँ पर कारपेट आते जा रही है और यहाँ पर सभी ये जो है स्टोन में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, माइनकार्ट बहुत ज़्यादा ही स्पीड से चली जा रही है और यहाँ पर कारपेट आ नहीं रही है इनफ कारपेट। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं क्या गड़बड़ी हो रही है, सभी तरफ में ऐसे ही हो रहा है, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा फिर से क्या गड़बड़ी हुई है। सो गाइस एवरीथिंग इज नाउ सेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी में कारपेट भी आते जा रही है और यहाँ पर हमारे स्टोन स्मेल्ट भी होते जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टोन आते जा रहे हैं सभी चेस्ट के अंदर, इसका मतलब सभी हॉपर भी सही तरीके से लगे हैं और यहाँ पर मेरा सभी कंस्ट्रक्शन जो मैंने बनाया है वो भी सही तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैं ऊपर नीचे आने जाने के लिए यहाँ पर ये लैडर्स लगाया हूँ। यहाँ पर ये ऊपर का एरिया मैंने जो है फिलहाल के लिए बिल्ड करने के टाइम के लिए ओपन किया था, अब ये इसको मैं सभी को क्लोज कर दूंगा। यहाँ पर ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर मैं सभी को क्लोज कर दूंगा ताकि यहाँ पर थोड़ा सा अच्छी लुक आए। और यहाँ पर ये भी बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, बट यहाँ पर जैसे मैं इधर साइड जाऊँगा ये इसकी आवाज़ टोटली बंद हो जाएगी। यहाँ पर इसको भी चालू कर लेते हैं, हमारे स्टोन फार्म को भी दोनों को चालू करके अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा स्टोन फार्म भी आ रहा है, स्टोन फार्म में से भी स्टोन आना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल स्पीड में हमारा सभी तरफ से वर्क कर रहा है हमारा फार्म। यहाँ पर हमारा स्टोन फार्म वर्क कर रहा है, यहाँ पर हमारा डुप्लीकेटर वर्क कर रहा है, यहाँ पर चेस्ट शायद से फुल हो चुकी है इसलिए ये सब कर रहा है। यहाँ पर मेरे पास भी कारपेट कलेक्ट होती जा रही है, तो इसको छोड़िए, यहाँ पर मैं नीचे चलता हूँ थोड़ा सा। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी में स्टोन आ ही जा रहा है, यहाँ पर देखिए सभी से स्मेल्ट होते जा रहा है और यहाँ पर आते जा रहा है स्टोन। अभी तो अभी अभी हमने स्टार्ट किया है फार्म को, अब जैसे थोड़ा टाइम होगा उसके बाद देखिएगा गाइस यहाँ पर फुल स्टैक से स्टैक हमको स्टोन आते रहेंगे। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो है टोटली सब वर्क कर रहा है हमारा ये फार्म। तो यहाँ पर इसको बंद कर लेते हैं जल्दी से, ये सामान पूरा अंदर रख लेते हैं, हमारा ट्रैपडोर को बाहर ले लेते हैं और यहाँ पर ग्रास लेते हैं इसको क्लोज करने के लिए। यहाँ पर इसको ऐसे ले लेता हूँ मैं। तो गाइज आप हमारे फाइनल लुक देख सकते हैं हमारे फार्म का। एक सेकंड मैं म्यूज़िक को कम कर लेता हूँ, इसको इसके मास्टर वॉल्यूम को कम कर लेता हूँ ताकि मेरी जो मैं बोल रहा हूँ उसकी आवाज़ आपको सुनने आ सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनल लुक जो हमारे फार्म की आ रही है एकदम बढ़िया दिख रही है लास्ट वाले फार्म से, तो क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है। और यहाँ पर जो ओपन एरिया था मैं उसको क्लोज कर दिया और यहाँ पर ये हमारा ये वर्क कर रहा है ड्यूपर जो हमारे फ्यूल का काम करेगा। यहाँ पर मैंने सभी को क्लोज कर दिया है, जल्दी से यहाँ पर नीचे ले जाकर बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा पूरा टोटली वर्क कर रहा है सभी, यहाँ पर हमारे पास सभी तरफ ये आते जा रहे हैं, हमारे पास स्टोन यहाँ पर भी आए, यहाँ पर सभी चेस्ट में स्टोन आते जा रहे हैं। अभी अभी हमने फार्म को स्टार्ट किया है तो अभी अभी हमको ज़्यादा नहीं दिखेगा, थोड़ी देर इसको फार्म को चालू करके छोड़ दूंगा तो मैं यहाँ पर बहुत सारा स्टोन कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास। सो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फार्म की लुक क्या बढ़िया आ रही है अब यहाँ पर हमारे फार्म की लुक। यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ से कितना अच्छा लग रहा है अब हमारा फार्म, छोटा सा कॉम्पैक्ट बट फिर भी बहुत ज़्यादा ही स्टोन प्रोड्यूस करता है ये। सो गाइस कमेंट में मुझे बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया तो नीचे लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसको भी जाकर दबा दीजिएगा और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी न्यू वीडियो में एपिसोड डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए इसकी। सो नीचे जाकर आप लाइक
लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन दोनों जरूर से दबा दीजिएगा। मिलता हूँ आपके कैसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।